हल्द्वानी में 5 दिन पहले लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने सकुशल ढूंढ लिया है। साथ ही बच्चियों को गुमराह करके भगाने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल के SSP प्रहलाद मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस और SOG टीम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दोनों बच्चियों को सकुशल ढूंढ लिया है। साथ ही लड़कियों को गुमराह करके भगाने वाले नाबालिग युवक को भी पकड़ लिया गया है। SSP ने बताया कि नाबालिग बच्चियों को भगाने में सहयोग करने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 4 लोग उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने 200 से ज़्यादा CCTV कैमरे की फुटेज चेक करने के साथ ही कई लोगों से पूछताछ कर इस मामले का पर्दाफाश किया। 21 जून को थाना बनपुलपुरा में मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिससे 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली है। पुलिस ने प्रारंभिक सूचना के आधार पर जो CCTV सर्विलांस किया, जो पूछताछ की और जो CD एनालिसिस किया, उसके आधार पर ये 2 नाबालिग बच्चियाँ एक नाबालिग लड़के के साथ में यहाँ से निकली और पुलिस ने कंटिन्यूस ये जो 3 लोग थे इनका पीछा किया और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगह हमारी टीमें पहुँची और हमारी टीम को ये लोग मुजफ्फरनगर मंसूरपुर रेलवे स्टेशन से वहाँ से हमारी टीम ने इनको बरामद किया गया है। बच्चियाँ सेफ है और उनके संदर्भ में जो आवश्यक विधि कार्रवाई है वो कर रहे हैं हम लोग। इन बच्चियों को भगाने में, उनको गुमराह करने में और उनको शरण देने के लिए 4 लोगों ने जो कृत्य किया है उसके संदर्भ में भी पुलिस आवश्यक कार्रवाई करते 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।